बात करते हैं जुबैर के जुर्म के संदर्भ में। जुबैर, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सोमवार को गिरफ्तार किया। मोहम्मद जुबैर पर सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने सेक्शन 153A और 295A के तहत उन्हें अरेस्ट किया है। धारा 153 दंगा करने के इरादे से किसी को उकसाने या दंगा कराने पर लगाई जाती है। वहीं 295A किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को, उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का जानबूझकर अपमान करने पर लगाई जाती है। स्पेशल सेल ने पुराने मामले में जुबैर को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि पर्याप्त सबूत होने के बाद ही मोहम्मद जुबैर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस के बयान के मुताबिक जुबैर को केस नंबर 194/20 में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन केस नंबर 172/22 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पीछे पुलिस की कोई दुर्भावना नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर एक कार्यकर्ता या पत्रकार जुबैर की गिरफ्तारी पर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि जुबैर कोई मामूली शख्स नहीं है। यह वह शख्स है जिसने पिछले 15 दिन पूर्व इस देश में तूफान खड़ा कर दिया था। ये जुबैर ही थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को ट्वीट किया था, उसके साथ अपने विचारों को साझा किया था और वह देश की सीमाओं को लांघ कर तमाम इस्लामिक देशों के यहाँ मुद्दा बन गया। नतीजा, नुपुर शर्मा की जहाँ भाजपा से निलंबन की कार्रवाई हो गई, वहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा होना पड़ गया। कुल मिलाकर जुबैर का क्या हुआ, अब उसको भुगतना पड़ रहा है, ऐसा तमाम लोगों का कहना है। एडिटर्स गिल्ड ने बाकायदा विरोध जताया है इस गिरफ्तारी के संदर्भ में, अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर अतिक्रमण करार दिया है इस गिरफ्तारी के संदर्भ में। तमाम वो लोग जो केंद्र सरकार की मुखालफत करते हैं, उनको इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा सोशल मीडिया में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ रही है। क्या वाकई जुबैर को नुपुर शर्मा के बयान पर ट्वीट करने की कीमत चुकानी पड़ रही है? जिन मामलों में जुबैर की गिरफ्तारी बताई जा रही है, क्या वो वाकई इतने संजीदा, इतने गंभीर हैं जिसके चलते उसे गिरफ्तार करने की नौबत आ गई? ये सवाल है। सवाल ये भी है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज हुई, वह अभी तक खुले में है, और जिसने नुपुर शर्मा के द्वारा तथाकथित तौर पर जहर फैलाने की घटना को सार्वजनिक किया, उसके खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। निश्चित रूप से विवाद काफ़ी बढ़ चला है। हमारे साथ में देश के वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी से ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा अपना काम किया जा रहा है और लोग जबरदस्ती में ज़्यादा ही उत्तेजित होकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या इस देश में कानून का राज नहीं रहना चाहिए? एडिटर्स गिल्ड को हर पत्रकार के संदर्भ में इतनी शिकायत क्यों हो जाती है, ये भी सवाल है। प्रेम कुमार जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मसले पर। हिमांशु जी, सवाल इसलिए उठते हैं कि जो मानदंड होने चाहिए वो सबके साथ बराबर नहीं होते, इसीलिए सवाल उठते हैं। आज ऑल्ट न्यूज के संपादक को गिरफ्तार किया जाता है, किस बात के लिए गिरफ्तार किया गया है? एक तस्वीर उन्होंने पोस्ट की है और वो भी बहुत पुरानी है, ताजा तरीन नहीं है, 2018 की जी। तो वो उसमें लिखा हुआ है कि 2014 से पहले एक हनुमान होटल था, हनीमून होटल था, और 2014 के बाद में उसी हनीमून को ओवर राइट करके हनुमान होटल कर दिया जी। तो सिर्फ उन्होंने व्यक्त किया कि पहले ये था और अब ये है, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कमेंट नहीं है। तो एक घटना ही तो उसमें बयां हुई है, और घटना बयां हुई है तो जो घटना हुई है उससे जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है, उस होटल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो कहीं गिरफ्तार हुआ क्या? अगर ये भावना भड़काने वाली बात है तो नहीं हुआ। 2018 की घटना पर आज गिरफ्तारी हो रही है, और आपने सही कहा कि कुछ समय पहले नुपुर शर्मा जी से जुड़ा हुआ जो विवाद था उसको इन्होंने ट्वीट किया, और उससे पूरे देश में हंगामा बरप गया, और हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो गया। लेकिन क्या इसके लिए मोहम्मद जुबैर जिम्मेदार है? ये मोहम्मद जुबैर की जो ताकत है, लोगों से सरोकार है, उनके ट्विटर हैंडल में जो इतनी ताकत है कि वो एक बात अगर ट्वीट कर देते हैं तो पूरी दुनिया में उस पर हंगामा बरप जाता है। तो नुपुर शर्मा पर ट्वीट तो हजारों लोगों ने किए, लाखों लोगों ने किए, लेकिन वो अंत नहीं रहे। प्रेम कुमार जी, मैं एक बीच में रोक के आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्या आपको नहीं लगता कि इस देश में फेसबुक और ट्विटर को बैन कर देना चाहिए? आजकल जो ये चलन चालू हो गया है,
जिसके तहत अगर आप फेसबुक पे, ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे किसी भी प्रकार का विचार साझा कर देते हैं, कोई व्यंगात्मक लहजे में बात कर देते हैं, तुरंत उसमें मामला दर्ज करके आपको उठा लिया जाता है। अभी मैं आपको मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का भी एक बयान सुनवाऊंगा, वो भी जिस प्रकरण का हवाला दे रहे हैं, सरकार अलग थी पर तरीके समान थे। एक केतकी करके जो महाराष्ट्रीय फिल्मों की अभिनेत्री हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट कर दिया था, एक महीना जेल में बिताना पड़ गया। क्या आपको नहीं लगता है कि समय आ गया है कि इस देश में जब अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर इतनी शिकायत नेताओं की या प्रशासन में बैठे हुए लोगों की है, तो बेहतर है प्रतिबंधित ही कर दिया जाए, क्यों लोगों की जान सांसद में रहे? डॉक्टर हिमांशु जी, फौरी तौर पर तो आपको मान लेने का जी चाहता है आपकी बात को जी, लेकिन अगर हम देखें, इस बात को मान लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम आजादी संभाल नहीं पा रहे जी, हम अपने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को संभाल नहीं पा रहे जी। तो ये अभिव्यक्ति की आजादी जो हमने कितनी मेहनत से, कितनी बड़ी कुर्बानी और लड़ाई देकर हासिल की है, उसको सेलेक्टिव ढंग से स्थानीय सरकारें या केंद्र की सरकारें या जो भी अगर इस्तेमाल कर ले रही है राजनीतिक मकसद से, तो ये अभिव्यक्ति की आजादी का दोष थोड़े है। ये दोष इस ऐसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं जिसमें सारे दल एक दूसरे का के खिलाफ, समझिए कि सर काटने में तुले हुए, कोई किसी का किसी को समर्थक बता देता है, कोई किसी का आइडियोलॉजिकल मित्र बता देता है और उस हिसाब से एक्शन होने लग जाता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, मोहम्मद जुबैर के ट्विटर में इतनी ताकत है कि वो एक बात ट्वीट करते हैं तो वो सब तक पहुंच जाती है और उस वो और ताकतवर हो जाती है। तो उस वो अगर सत्ता के खिलाफ होती है तो सत्ता बेचैन हो जाती है, लेकिन हम जैसा व्यक्ति ट्वीट करते हैं तो उसकी उसका कोई असर नहीं होता है, तो हम पर कोई एक्शन नहीं होता है। मैंने भी कोई क्या कम ट्वीट किए हैं ऐसे वैसे, लेकिन मुझ पर एक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जिसका इम्पैक्ट पड़ता है उस पर तुरंत एक्शन होता है, जिस पर इम्पैक्ट पड़ता है उस पर तुरंत एक्शन होता है। एक बार बयान सुनते हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सरकार में बैठे हुए लोग किस नजरिए के साथ हैं, इसे समझना, जानना और फिर बूझना शायद जरूरी है। सुनिए एक बार। हम दंगे की दृष्टि से देखते हैं, हम आतंकवाद को आतंकवाद की दृष्टि देखते हैं और वो इसमें धर्म देखते हैं, वो उन्हें मुसलमान कह के जबरदस्ती दंगाई बनाने की कोशिश करते हैं कौम को, जो गलत है। समाज में उपद्रवी जो होते हैं उन पर कार्रवाई होती है, उन पर आगे भी कार्रवाई होगी, और इसलिए ओवैसी जी जो इस तरह का राजनीति में धर्म के आधार पर करना चाहते हैं, मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। गोली चली। तो आपसे सवाल इस संदर्भ में है प्रेम कुमार जी मेरा, कि कुल मिलाकर एक बार फिर ट्वीट मात्र से गिरफ्तारी है, आगे अंजाम क्या होगा इस प्रकार से अगर सिलसिला चल निकला? एक महीने, दो महीने, पाँच महीने, दस महीने पुराने ट्वीट अगर गिरफ्तारी का आधार होने लगे तो ये अभिव्यक्ति की आज़ादी रह का गई है जिसके संदर्भ में आप उल्लेख कर रहे हैं। अब बिल्कुल यही सबसे बड़ी चिंता है, और साथ में काउंटर सवाल भी उठते हैं ना जी, जिस पैगंबर की निंदा करने वाले की गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई और उस मुद्दे को उठाने वाले की गिरफ्तारी हो गई जी, तो ये सवाल उठेंगे। कपिल मिश्रा गिरफ्तार नहीं होते हैं, गोली मारो बोलने वाले मंत्री का कुछ नहीं बिगड़ता है, तो ये एक तरफ यानी सरकार में है या सरकार की तरफ से बोल रहे हैं तो हमें मुस्लिम मतलब कोरोना, मुस्लिम मतलब आतंकवादी जैसा ट्वीट हैशटैग चलाने का भी अधिकार मिल जाता है, तो एक तरफा हो रहा है ना सब कुछ, इसीलिए आलोचना का विषय है। अगर हर तरह सब पर एक्शन हो तो सब लोग संयमित और अनुशासित हो जाएंगे, ऐसे में तो लोग बगावत ही होंगे कि एक पर एक्शन हो रहा है दूसरे पर नहीं हो रहा है। ये राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है, एक जुबैर को मतलब गिरफ्तार करेंगे तो हजार जुबैर पैदा होंगे, तो इस तरह की भावना जागेगी और निश्चित रूप से अराजकता फैलेगी, कोई सुशासन जैसी स्थिति पैदा नहीं होगी। पर मेरा एक सवाल आपसे है प्रेम कुमार जी, हमारे यहाँ तीन प्रकार से लोकतंत्र को संरक्षित करने का काम है, न्यायपालिका के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा और विधायिका के द्वारा। जब कार्यपालिका के स्तर पर ऐसे सवाल हैं, उसका आचरण संदेह के दायरे में है, तो न्यायालय से वैसा संरक्षण क्यों नहीं मिल रहा?
केतकी जिस अभिनेत्री का जिक्र कर रहे थे उसे अदालत से राहत मिलने में एक माह का समय लग गया। तो आपसे जानना ही चाहते हैं कि कार्यपालिका संदेह के दायरे में वहां तक तो बात समझ में आती है, पर ये न्यायपालिका के स्तर पर अगर बात इतनी ही सच है, बात इतनी ही ईमानदारी की है, बात अभिव्यक्ति की आज़ादी की है, तो न्यायालय से वैसा संरक्षण क्यों नहीं मिल रहा? क्या आपको लगता है कि न्यायालय से संरक्षण मिल रहा है, या आपको भी शिकायत है इस बात की कि न्यायालयों को जिस तत्परता के साथ ऐसे मामलों में अपने आप संज्ञान लेना चाहिए या फौरी आदेश जारी करने चाहिए, समय लेकर कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को हौसला मिल रहा है? हिमांशु जी, देखिए न्यायालय एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर हम विश्वास अगर तोड़ देंगे या ऐसी बात करेंगे जिससे कि विश्वास खत्म हो तो हम कहीं ना कहीं और अराजक होने की ओर बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि न्यायालय की व्यवस्था में खामियां हैं, जनता न्यायालय तक नहीं पहुंच पाती, जिनकी पहुंच है वो तो रातों रात मेंशन करा लेते हैं, बिना मेंशन के भी अगले दिन सुनवाई हो जाती है। हमने अभी महाराष्ट्र के केस में भी देखा, उससे पहले बड़े बड़े आतंकवाद वाले केस में भी देखा जिसमें फांसी की सजा हुई, वैसे में भी देखा कि रात में भी न्यायालय खुले। लेकिन सवाल यह है कि जितना लोड न्यायालय पर है हमारे देश में, सुप्रीम कोर्ट के भी की भी चर्चा हुई, दूसरे कोर्ट की भी चर्चा हुई, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए तो अमेरिका के मुकाबले कम से कम भी तो 20-22 गुना ज्यादा लोड जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट पर है। तो ये लोड संभाल नहीं पा रहे, एक मैकेनिज्म जरूर बनना चाहिए। अब इतने बड़े हिंदुस्तान में एक सुप्रीम कोर्ट, उसको सब कुछ दिल्ली से होगा, ये कॉन्सेप्ट बदलने का समय आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की इकाइयां हर राज्य में होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दिल्ली में क्यों हो, और सिर्फ दिल्ली में होगा तो पूरा हिंदुस्तान न्यायिक हस्तक्षेप और ज्यादा की अपेक्षा अब कर रहे हैं प्रेम कुमार जी को, कि सुप्रीम कोर्ट अब हर राज्य में हो तो तय बात है कि इससे व्यवस्थापिका के कार्यों में निश्चित रूप से न्यायालय का हस्तक्षेप बढ़ेगा। तो क्या देश आजादी के अमृत काल में इस मुकाम पर पहुंच गया है जब शक्ति संतुलन गड़बड़ा रहा है, तीनों खंभों को संतुलित रूप से बोझ उठाते हुए लोकतंत्र की रक्षा करनी थी, तो क्या वाकई लोकतंत्र खतरे में आ रहा है, व्यक्ति की आज़ादी खतरे में आ रही है? क्या मोहम्मद जुबैर को वाकई जायज कारणों के तहत उठाया गया है या एक द्वेषपूर्ण कार्रवाई के तहत अंजाम पर पहुंचाया गया है? निश्चित रूप से निर्णय के संदर्भ में न्यायालय के हस्तक्षेप का इंतजार करना चाहिए, पर इतना तय है कि मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी ने एक बार फिर केंद्र सरकार के कामों को कटघरे में खड़ा किया है। अब केंद्र सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है कि वह अदालत में ऐसे तथ्य प्रस्तुत करे जिसके तहत मोहम्मद जुबैर के संदर्भ में की गई कार्रवाई जायज ठहराई जा सके अदालत के द्वारा। क्या केंद्र सरकार ऐसा कर पाएगी, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी।